नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। हेलो किसान आपका अपना कार्यक्रम जहां हम अलग अलग विषय आपके लिए लेकर आते हैं और उन विषय से जुड़े हुए विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियो में रहते हैं, जो कि आपके सवालों के, आपके आशंकाओं के जवाब देते हैं। हमारा मकसद ये होता है कि हम अपने किसानों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक कर सकें, कृषि संबंधित तमाम जानकारियां उन तक पहुंचा सके ताकि वो उसका उचित लाभ उठा सके और कृषि में प्रगति कर सके। तो आज का विषय क्या है, सबसे पहले आइए डालते हैं उस पर विचार। आज का विषय है फार्मिंग एंड एक्ट 2020, मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर कृषक अनुबंध विधेयक 2020। तो आज हम बात करेंगे कृषि कानून के बारे में और आपके जो सवाल हैं उनके हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। थोड़ा इसके बारे में विस्तार से और चर्चा करेंगे कि इसका क्या मकसद है। और अगर आपके सवाल हैं तो आप हमें टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारे दो टोल फ्री नंबर है 1800113060, 1800113061। टोल फ्री यानी आपका कोई शुल्क इस पर नहीं लगेगा, बस आपको हमें फोन लगाना है और आप हमें कॉल कीजिए, अपने सवाल हम तक पहुंचाएं। तो विषय के बारे में हमने आपको बता दिया है और हमें आपके कॉल का इंतजार है, लेकिन जो विशेषज्ञ हैं अब उनसे मुलाकात आपकी करवा देते हैं। हमारे साथ आज हैं डॉक्टर अलका सिंह, आप प्रधान वैज्ञानिक हैं कृषि अर्थशास्त्र विभाग IARI पूसा नई दिल्ली में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अलका आपका कार्यक्रम में। और हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर खेमचंद, आप प्रधान वैज्ञानिक हैं राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र नीति अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। आपका भी डॉक्टर खेमचंद बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। तो आज के इस विषय को बहुत विस्तार से हम समझेंगे और आपके कॉल्स का तो हमें इंतजार रहता ही है हम, और हम कोशिश करेंगे कि आपके ज्यादा से ज्यादा कॉल्स हम ले सकें। और हमारी तरफ से भी आपसे ये प्रार्थना है, ये अनुरोध है कि जब भी आप कॉल करें तो पहले अपने टेलीविजन की आवाज कम कर दें, फिर उसके बाद अपना सवाल फोन पर पूछें ताकि हम आपको ठीक से सुन सकें और सही से आपको जवाब दे सकें। और इससे ये होता है कि समय की बचत भी होती है और ज्यादा से ज्यादा हम कार्यक्रम में ले पाते हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर अलका, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो तीन नए कृषि कानून है, आज हम विशेष तौर पे बात कर रहे हैं मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर कृषक अनुबंध विधेयक के बारे में, तो इनका मकसद क्या है और किस तरीके से इनके बारे में हम समझें। देखेंगे तो थोड़ा संक्षेप में, जैसा कि आप सबको मालूम ही है कि जो तीन कानून है, पहला कानून जो है वो किसान उत्पादन व्यापार और वाणिज्य से संबंधित है, जो दूसरा कानून है ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से संबंधित है, और तीसरा जो है जो आवश्यक सेवा और आवश्यक वस्तु या सोशल कम्युनिटी है फिर इससे संबंधित है। ये तीनों कानून एक तरीके से काफी हद तक एक दूसरे से इंटरलिंक भी है। जैसा कि जो पहला कानून है इसमें ये प्रावधान है कि किसानों को और ज्यादा ऑल्टरनेटिव दिए हैं, एपीएमसी मंडी के अतिरिक्त और भी ऑप्शन दिए हैं, ऑल्टरनेटिव ऑप्शन, क्योंकि इसमें एपीएमसी मंडी बंद नहीं होगी, इस आशंका को मैं यहाँ पर भी ज्यादा करना चाहूंगी। इसी तरीके से जो दूसरा कानून है उसमें फार्मर का जो करार अथवा अनुबंध होता है अपने उत्पादन को बेचने के लिए, एक आकर्षक मार्केट को पाने के लिए, और जो इनपुट्स या तकनीक जो नई नई वो अपने उसमें ले सकते हैं, इसके लिए एक उसको और सशक्तिकरण किया गया है, उसको और अपॉर्चुनिटीज दी गई है, और इसमें कई जैसे कुछ जैसे डिस्प्यूट सेटलमेंट को और आसान बनाया गया है और करार को एक लीगल स्टेटस देने के लिए बात की गई है। तीसरा जो है वो एक आवश्यक और सेवा अधिनियम है। ये एक्ट पहले से ही था, इसमें थोड़ा सा अभी एक मॉडिफिकेशन हुआ है कि जो स्टॉक लिमिट जो एसेंशियल क्वांटिटी की थी उसको एक बहुत ही किसी विशेष स्थिति में ही लगाया जाएगा, और उसमें भी एक बहुत पारदर्शिता है कि अगर प्राइस बढ़ता ही है बिल्कुल पेरिशेबल कम्युनिटीज या नॉन पेरिशेबल कम्युनिटीज का, तो उस पर एक आधार पर स्टॉक नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, यानी किसान अपने हिसाब से देख सकता है कि कब उसको अपनी उपज का अच्छा भाव मिल सकता है, उसी के अनुसार ही वो स्टॉक रोक सकता है। ये हमें अभी अलका जी ने बताया जो तीसरा अधिनियम है उसमें ये प्रावधान है। तो हमारे किसानों की बेहतरी के लिए ही कानून है, और ऐसे में अगर आपके मन में कोई आशंका है, कोई सवाल है, तो ये मंच बिल्कुल सही मंच है जहां पर आपको बिल्कुल सही जानकारी मिलेगी। आपको यहां वहां नहीं जाने की जरूरत है, बातों में ना आए, सुनी सुनाई बातों पर अपनी राय को ना बदलें। जो भी आपकी आशंका है उसके लिए आपके लिए अगले एक घंटे तक हमने ये मंच आपके लिए बनाया है, बस आप अपने कॉल करें और अपने सवाल हम तक पहुंचाएं। तो चलिए सबसे पहले आइए जो इससे जुड़ी जो हमारी रिपोर्ट है उस पर नजर डाल लेते हैं। Thank you.
सरकार किसानों की आय बढ़ाने और सदैव उनके सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कार्य करने पर जोर देती रही है। सरकार ने कृषि क्षेत्र के कल्याण के लिए अनेक पहल की है। इन्हीं पहलों में शामिल है कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020। सरकार का उद्देश्य एक राष्ट्र एक बाजार जैसी स्थिति बनाना है। कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020 का मकसद कृषि बाजार को उदार बनाना है। अब किसान उपज से खाद्य उत्पाद बनाने वाले प्रोसेसर्स, व्यवसाय कंपनियां, थोक और फुटकर विक्रेताओं और निर्यातकों के साथ कृषि उपज की बिक्री के लिए सीधे करार या व्यवसायिक समझौता कर सकते हैं। करार हो जाने के बाद फसल की अच्छी पैदावार के लिए जरूरी साधनों या इनपुट्स उपलब्ध कराने की पूरी जिम्मेदारी खरीदार की है। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, इनफैक्ट मैं ये कहूँगी ये तीनों जो है तो इनको अलग से ना देखा जाए। इसके साथ साथ बहुत सारे रिफॉर्म्स और भी लिए गए हैं, बहुत नई स्कीम्स आई हैं मंत्रालय में। जैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करी तो छोटे किसानों के लिए सबसे जरूरी कुछ एक महीने पहले एक स्कीम आई थी कि वो FPO बनेंगे, हम लोग 10,000 FPO बनाने की बात है अगले 5 साल में। तो इससे जो किसान, छोटे किसान जुड़ के एक समूह में काम करेंगे तो उनकी बार्गेनिंग पावर भी ज्यादा बढ़ेगी और वो अपना सेफगार्ड ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो स्पॉन्सर है उसको भी आसानी रहेगी कि उसको एक बल्क प्रोड्यूस पूरे FPO से मिल जाएगा। तो इससे दोनों तरफ का फायदा होगा, इससे इन्वेस्टमेंट को भी एनकरेजमेंट मिलेगा प्राइवेट सेक्टर को, क्योंकि ये अब स्टॉक लिमिट्स नहीं रहेंगी इन अपने जो आपने जैसे चिन्हित करे कमोडिटीज के लिए, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा। और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल एरियाज में जो हमारी कोल्ड चेन्स हैं या बाकी जैसे विलेज हार्ट्स को करना है और ग्रामीण हार्टों को बनाना है, उसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा आएगा प्राइवेट सेक्टर। इनफैक्ट आप लोग पढ़ भी रहे होंगे मीडिया में भी, बहुत जो बड़ी कंपनीज हैं वो लोग भी बहुत खुश हैं इन कानूनों से और वो लोग चाह रहे हैं कि आगे आके वो इन्वेस्टमेंट करें, जिससे उनका किसानों के साथ डायरेक्ट मार्केटिंग जो अब तक थी वो और ज्यादा बढ़ के आएगी। तो उसमें किसानों को भी फायदा होगा और जो इंडस्ट्री है उनको भी फायदा होगा और एंड जो कंज्यूमर है उसको भी फायदा मिलेगा। अब किसान ऐसी फसलों की खेती कर सकते हैं जिसकी उन्हें अच्छी कीमत मिले, जिसका व्यापार कुछ ही बाजारों में होता है या निर्यात के लिए होता है। ऐसे में किसान पहले से ही कीमत तय करके अच्छी फसल उगाने की व्यवस्था कर सकते हैं। कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020 में यह प्रावधान किया गया है कि किसान बुआई के समय ही मूल्य के उतार चढ़ाव से बचने के लिए आने वाली फसल को बेच पाए और उसके लिए एग्रीमेंट कर पाए। अब इस एक्ट के अंतर्गत किसान अपनी फसल को बुआई करने से पहले ही एक एग्रीमेंट के माध्यम से उसको एक निर्धारित कीमत पर बेचने का एग्रीमेंट कर सकते हैं, जिससे उसको प्राइस की अश्योरेंस मिलेगी, उसका रिस्क खत्म होगा, उसको जोखिम से मुक्ति मिलेगी और इस प्रकार की नई फसलें वो उगा सकेगा जिसका उसको पहले जानकारी नहीं थी। क्योंकि जो खरीदार है उसके पास बाजार उपलब्ध है और वो बाजार की मांग के अनुसार किसान को ये बता सकता है कि उसको किस प्रकार की फसल चाहिए, उसका क्या क्वालिटी होना चाहिए, उस फसल को उगाने के लिए कोई अगर नया तरह का बीज है, किसी प्रकार के इनपुट्स हैं, कोई नई तकनीक है, वो खरीदार किसान को उपलब्ध करा सकता है। और इन फार्म सर्विसेज को लेके किसान एक अच्छी उपज उगा सकते हैं, उसकी अच्छी कीमत प्राप्त कर सकते हैं और कीमत के उतार चढ़ाव से बच सकते हैं। किसानों के हितों के संरक्षण के लिए कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020 के तहत काफी अच्छे प्रावधान किए गए हैं। फसल का बीमा तो कराया जाएगा ही, साथ ही जरूरत होने पर किसान वित्तीय संस्थानों से कर्ज भी ले सकेंगे। किसानों को मौसम के जोखिम और बाजार के उतार चढ़ाव से भी सुरक्षा मिलेगी। तो अभी विस्तार से हमने आपको कृषि कानूनों के बारे में बताया और कैसे कृषि में इससे कह सकते हैं कि परिवर्तन आने की उम्मीद बंधी है और जो कायाकल्प करने का सरकार ने सपना देखा है उसे धरातल पर उतारा जा सकेगा
और किसानों की आय में वृद्धि हो, यही सरकार का लगातार मकसद रहा है और इसको लेकर कई तरह के कदम उठाए गए हैं और उन्हीं में से मील का पत्थर ये साबित हो सकते हैं। डॉक्टर खेमचंद, आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि हम बता रहे हैं कि इससे हमारे किसानों की आय में वृद्धि होगी, व्यापार और आसान होगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अब क्योंकि कानून के दायरे में आ गई है तो इससे जो पहले चीटिंग के केस होते थे, किसान कई बार फंस जाते थे, वो सब चीजें नहीं होंगी, किस तरीके से समझें? अभी जैसे विस्तार से समझाया गया, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अभी पहले भी किसान करते आए हैं, खास करके जो फलों की खेती है, सब्जियों की खेती है, उसमें किसान भाई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें कुछ व्यापारी जो है फसल पैदा होने से पहले ही उसे लिखित समझौता नहीं होता है, एक वर्बल एग्रीमेंट होता है। लेकिन अभी जो तीनों कानून बने उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में लिखित समझौता की बात कही गई है। विशेष बात है कि जिस भी एरिया की जो वहाँ की भाषा है उसी भाषा में ही कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, जिससे कि सरल भाषा में किसान को समझ आ जाए उसके अंदर क्या लिखा गया है, और फसल उत्पादन से पहले ही सीजन से पहले ही उसका मूल्य भी निर्धारित हो जाएगा कि जब फसल उपज आएगी उसमें उसका मूल्य क्या होगा। तो हमारे जो छोटे और सीमांत किसान है, जो 80% से ज्यादा किसान है, इसमें अफीम की बात भी कही गई है कि हम ये कहते हैं छोटे और सीमांत किसान है वो कैसे एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे, क्योंकि उनकी जॉब का आकार बहुत छोटा है, उनके हितों को ध्यान में रखते हुए भी एक 10,000 एफपीओ की नाबार्ड के थ्रू बात कही एफपीओ बनाए जाएंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में शुरू से ही एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, और खास करके ऐसी कृषि जींस जो बहुत जल्दी खराब हो जाती है, फल और सब्जियां जो है उनके लिए दो चार लाभ होगा, उनका मूल्य पहले से निर्धारित हो जाएगा। और हम ये भी बात करते हैं कि हमारी जो कृषि जींस है, जब तक हम इसको पूरे देश की एक मार्केट में बनाएंगे, किसी स्टेट में इसका दाम ज्यादा है, कहीं जी बिल्कुल, जो वन नेशन वन प्राइस की बात की जा रही है। इसके अलावा एक एक्सपोर्ट की बात भी है कि काफी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, एक्सपोर्ट कंपनीज है जो आना चाहती है, जिससे कि यहाँ का जो कृषि जींस जो ज्यादा पॉपुलर है वो बाहर चली जाए। ये भी हमने दो दिन पहले की बात है, यूएई की कंपनी ने जो कश्मीर में सेल होती है उनके बारे में करार किया है कि उसको कैसे हम जो है एक्सपोर्ट करें, उसके लिए प्रोसेसिंग इंडस्ट्री डेवलप की जाएगी। अगर ये करार नहीं होते, ये मार्केट के रिफॉर्म्स नहीं होते, तो वो पॉसिबल नहीं था, संभव नहीं था। जी बिल्कुल, लेकिन यहीं पर सवाल यहीं पर ही उठ जाते हैं और आशंका हमारे किसानों की यही है कि ये जो करार है कहीं ऐसा तो ना हो कि जिस तरह की आशंकाएं उठ रही हैं कि उनकी जमीन का मालिकाना हक का क्या होगा, अगर वो एक बार कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने कर लिया तो फिर उसके वो जो विशेष सर्कल है उसमें फंस जाएंगे। अलका जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये एक काफी ये सवाल किसानों के मन में भी उठ रहा है, और मैं इसमें ये कहना चाहूंगी बहुत तरीके से कि ये बिल्कुल काल्पनिक एक बात है, और इसमें ये कोई भी इस तरह की आशंका को मैं निर्मूल साबित करना चाहूंगी, क्योंकि इसमें ये करार में ये प्रावधान है कि जो लैंड है किसान की वो मॉर्गेज नहीं होगी, वो लीज में नहीं होगी, जो भी करार होगा वो प्रोड्यूस का होगा कि इतना प्रोड्यूस देना है, और किसी डिफॉल्ट की स्थिति में भी लैंड का इसमें कोई रोल नहीं है। तो ये आशंका बिल्कुल ही निराधार है, और ऐसा नहीं है कि देखिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बिल्कुल नया है, हमारे देश में कई पैचेस में कई क्रॉप्स में ये होता भी है, और हमेशा जो भी स्टडीज या डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हम लोगों को मिले हैं, जो भी शोध हुआ है उसमें हमने ये पाया है कि ये दोनों पार्टीज के लिए विन विन सिचुएशन है। सबसे बड़ा जो एक फायदा है जो मैं ये कहना चाहूंगी, क्योंकि मैं एक तकनीकी संस्थान से आती हूँ, कि जो फार्मर है उसको नई तकनीक का प्रयोग करने का मौका मिलेगा, नए तरह के इनपुट्स को वो कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर हैं जिनको बहुत सारी नई तकनीकों का नहीं पता होता है। तो जैसा कि अभी मेरे साथी डॉक्टर खेमचंद ने बताया कि वो एक्सपोर्ट के बाजार का भी फायदा ले सकते हैं, और एक्सपोर्ट मार्केट के लिए एक पर्टिकुलर क्वालिटी की जरूरत है, एक उसी क्वालिटी के हिसाब से ही वो हमारा जो प्रोड्यूस है वो एक्सपोर्ट मार्केट में बिकता है। तो अगर फार्मर्स को ये एक्सेस होगी उस टेक्नोलॉजी की, उस सर्विसेज की, जो उसको वैसे नहीं मिलती है, तो अगर करार के अनुबंध से अगर वो इन सब चीजों का फायदा ले सकता है, तो मेरी समझ से जो लघु और सीमांत किसान है उनको इस करार से बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। जी बिल्कुल, और एक तरीके से संगठित बाजार होगा, चीजें और ज्यादा साफ होंगी, और हमारे किसानों के लिए और ज्यादा विकल्प होंगे, और जैसा कि हमें डॉक्टर अलका ने बताया कि बाजार जो है और उसका विस्तार होगा, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रोड्यूस जा सकते हैं, जो उत्पाद जा सकते हैं
उनके जो मानक हैं उन्हें और बेहतर तरीके से हमारे किसान समझ पाएंगे और उसी के अनुरूप ही वो अपनी फसल पैदा कर सकेंगे। और अच्छी बात यह है कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार किसानों के लिए खुलेगा तो उनकी आमदनी में वृद्धि भी होगी, और यही हमारी लगातार कोशिश है कि हमारे किसानों की आय में वृद्धि हो। सरकार इसीलिए इस तरह के लगातार प्रयास कर रही है। फिलहाल वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपके कॉल्स का इंतजार रहेगा, कहीं मत जाइएगा, बने रहे हेलो किसान के साथ। भी पीछा चुका है। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मांग रहा हूँ, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं। ब्याज चुकाने के लिए पूरा एक साल मिलता है, समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए एक भी डिग्री नहीं करनी पड़ी। उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है, तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। कानून के बारे में और विशेष तौर पर आज हमारा फोकस है मूल आश्वासन एवं कृषि सेवा पर कृषक अनुबंध विधेयक 2020 के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। कुछ बातें हमने आपको ब्रेक से पहले बताई, लेकिन अब हमें इंतजार है आपकी कॉल्स का। आप भी हमें कॉल करें और अपने सवाल हम तक पहुंचाएं। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि डॉक्टर अलका, आपने बताया कि इससे चीजें और साफ होंगी, व्यापार करना आसान होगा। जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो एक स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट्स चाहती हैं, उसका उत्पादन करना आसान रहेगा। लेकिन किसानों के मन में ये भी आशंकाएं हैं कि जो लागत है, मान लीजिए उन्होंने तो लागत लगा दी और खरीदार जो है वो मुकर गया बाद में, तो ये इसके बारे में भी थोड़ा साफ कर दीजिए कि जो उस उत्पाद के लिए जो लागत होगी उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी और किस तरीके से वो भाव सुनिश्चित किया जाएगा, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे। जी जी मैम, देखिए इसमें एक बात बहुत साफ है इस प्रावधान में कि बुआई के पहले ही ये करार एक म्यूचुअली एग्रीड तरीके से होगा, जो बायर और सेलर दोनों की ही सहमति से और एक क्वालिटी के आधार पर होगा। तो ये बुआई के पहले ही किसान को पता होगा कि ये प्राइस अब मिलना है, और साथ में अगर किसान चाहेगा और ऐसे डिमांड अगर इस तरीके की होगी तो साथ में तकनीक या जो सेवाएं जो चाहिए जो फार्मर को कंपनी मुहैया करा सकती है उस क्वालिटी के प्रोड्यूस को पैदा करने की, तो वो सब चीजें भी इसमें होंगी। हाँ, आपकी बात ये सही है कि ऐसे पहले कुछ केसेस हुए हैं कि जिसमें कि कंपनी डिफॉल्ट कर गई है या उसने पैसे नहीं दिए हैं या फार्मर की तरफ से उन्होंने ये कहा है कि क्वालिटी नहीं है। तो एक बात मैं इसमें साफ करना चाहूंगी, देखिए क्वालिटी एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है, तो क्वालिटी के प्रोड्यूस ही का जो दाम करते करार हुआ है उसको थोड़ा उसका मान रखना जरूरी है। लेकिन साथ में ये है कि अगर कंपनी मुकर जाती है तो उसके लिए जो डिस्प्यूट सेटलमेंट है वो भी एक बहुत सही प्रावधान इसमें है कि किसान को कोर्ट के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। उसमें सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि उसके लेवल तक ही इस डिस्प्यूट का जो रिजोल्यूशन है वो हो जाएगा, तो ये एक किसानों के लिए काफी लाभप्रद बात है। जी जी, आपसे जाना चाहेंगे हम कि जिस तरीके से हम भाव की बात कर रहे हैं किमचंद जी, भाव किस तरीके से सुनिश्चित होगा? जैसे कि अभी अलका जी ने बताया कि एक करार हो जाएगा, भाव पहले से ही डिसाइड हो जाएगा, उसी के अनुरूप ही भुगतान किया जाएगा किसान को। लेकिन किसानों का यही कहना है कि अगर वो भाव उस तरीके से नहीं मिलेगा और हम कॉन्ट्रैक्ट में चले जाते हैं तो फिर हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचेगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट वाला ही पूरा सिस्टम शुरू हो गया, ज्यादातर किसान और छोटे किसान अगर इस तरीके के एफपीओ से जुड़ करके अगर वो इस तरह की खेती करते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि उनका कहना है कि अब हमारे पास आने वाले समय में जब यही शुरू हो जाएगा तो हमारे पास ज्यादा विकल्प ही नहीं रहेगा, तो जो खरीदार जो है, जो कंपनी है, उसके अनुरूप ही हमें भुगतान होगा।
बारे में जो किसानों की आशंका है उनकी ज्यादा है, क्योंकि सरकार ने कहीं भी ये नहीं कहा है कि इससे जो पहले सिस्टम एपीएससी मंडी के लिए बन जाएगी। अगर एपीएससी मंडी में ज्यादा आपको पैसा मिल रहा है तो निश्चित रूप से किसान बाहर अपने जींस को नहीं सेल करेगा, तो एपीएससी मंडी भी रहेगी। इसके साथ में समानांतरिक दिशा चल रहा है जिसमें फ्री मार्केट की बात कही गई है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा व्यापारी जो है वो इसमें मार्केट कृषि व्यापार के बाजार में आ सके। अभी समस्या ये आ रही थी कि एपीएससी मंडी के रजिस्टर्ड व्यापारी होते थे जो कि उनकी मोनोपोली होती थी, वो अपना एक कार्टल बनाते और कई बार बहुत कम रेट में ही परचेज करते थे। तो एक सरकार ने ट्रेड को खोला है, मंडी से बाहर ट्रेड को खोल दिया है। तो दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कही गई है उसमें भी जो मूल्य का निर्धारण होगा वो जो एक एमएसपी पर जो मूल्य चल रहा है उसको ध्यान रखा जाएगा, ऐसा उसमें एक्ट में लिखा गया है। उस मूल्य से कभी भी नीचे वो नहीं जाएगा, उसको जाना जा सकता है उसके अंदर, उसको ध्यान। और किसान भी जो है, किसान को भी आजकल मीडिया से मालूम चल जाता है, उसके मोबाइल में बहुत सारी एप्स है और हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र है उनसे भी किसान जुड़ सकते हैं, काफी इलाकों से जुड़े भी हुए हैं, उनको मूल्यों का पता भी चलता है। और ई नाम जो है एग्री मार्केट नेट वगैरह है, आजकल किसान बहुत जागरूक हुए अपने स्मार्टफोन भी यूज करते हैं, वो आराम से पता लगा सकते हैं कि इस कृषि चीज का बाजार में क्या भाव चल रहा है। तो जब वो करार करेंगे तो उस मूल्य को ध्यान में रख के करार करें, थोड़ा उनको ध्यान रखना पड़ेगा। और एक जो क्वालिटी की बात कही गई है वो अच्छी बात है, उस क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए उनको अच्छी किस्म के इनपुट भी मिलेंगे, तो निश्चित तौर से अच्छा क्वालिटी होगी और जो मूल्य पहले से निर्धारित होगा तो जो फाइनली उत्पाद बाजार में आएगा तो उसको उस मूल्य से कम में बेचने खरीदेगी, वो अच्छा उनको आमदनी। जी एक कॉलर है धर्मवीर है जिन्होंने हमें उत्तर प्रदेश से कॉल किया है। जी धर्मवीर जी बताइए सवाल क्या है आपका। धर्मवीर जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो हेलो जी नमस्कार धर्मवीर जी बताइए सवाल क्या है आपका, हम सुन पा रहे हैं आपको। जैसे हम अपनी फसल जब किसी से कॉन्टेक्ट करते हैं तो फसल से जी हम सुन रहे हैं, आप अपनी बात पूरी कीजिए। सर जैसे फसल से हम कॉन्टेक्ट करते हैं तो उसमें भाव का कैसे पता चलेगा, जैसे किस रेट में तय करते हैं, बाद में क्या गारंटी है, वो कहते हैं कि इसमें क्वालिटी नहीं है सही है। जी जी ये भी एक बहुत बड़ा सवाल हमारे किसानों के मन में उठ रहा है कि मान लीजिए जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसके अनुरूप उन्होंने इनपुट दिए, जो लागत लगनी थी वो भी कंपनी ने वहन किया, लेकिन उसके बाद जो उत्पादन है जो जो फसल है अगर वो उस गुणवत्ता की नहीं हुई तो भी क्या वो कंपनी या फिर जो बायर है जो खरीदार है उसे खरीदने के लिए उसको खरीदना ही पड़ेगा, और क्या किसान वहाँ इन सब बातों को लेकर आश्वस्त रहे कि हाँ उसका उत्पाद जैसा भी होगा वो जरूर बिकेगा, ऐसा नहीं होगा कि कोई मुकर जाए। जी अलका जी देखिए ये बहुत सही आपने सवाल किया, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि एक करार है दो पार्टीज के बीच में, बायर के बीच में और फार्मर के बीच में। बायर का ये है कि उसको इस क्वालिटी का प्रोड्यूस चाहिए और ये प्राइस है जो कि म्यूचुअली एग्रीड है, और किसान को भी ये पता है कि इस क्वालिटी का ही प्रोड्यूस चाहिए और मुझे पैदा करना है इस प्राइस पे। और जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया भी कि जो भाव होंगे वो अक्सर थोड़े ज्यादा होते हैं मार्केट से, क्योंकि एक क्वालिटी है, करार है उसके बीच में कि इस तरह का प्रोड्यूस चाहिए। लेकिन यह है कि अगर कोई ऐसा होता है कि कोई डिफॉल्ट होता है कंपनी की तरफ से और फार्मर की कंप्लेंट अगर सही है तो कंपनी के ऊपर पेनाल्टी का भी प्रोविजन है इसमें। ऐसा नहीं है कि कोई भी बीच में करार को तोड़ दे और उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं हो। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जो डिस्प्यूट को जो रिजॉल्व करने का मैकेनिज्म है वो भी इसमें बहुत सशक्त है, और अगर कोई भी ऐसा पाया जाता है कि जो कंपनी या जो बायर जो स्पॉन्सर है वो इस तरह का काम कर रहा है कि वो क्वालिटी के होते हुए भी वो करार को तोड़ रहा है तो उसके ऊपर एक एक्शन का भी प्रावधान है। लेकिन साथ में हमको भी उस क्वालिटी को मेंटेन करना होगा जिसके लिए वो प्राइस है, तो ये बाइंडिंग दोनों तरफ से है। खेमचंद जी आप क्या बताना चाहेंगे, जुर्माने की जैसे बात की अभी अलका जी ने कि जुर्माना लगेगा अगर जो जिसने करार किया है उसमें अगर जो बायर है जो कंपनी है उसकी तरफ से कोई मतभेद होता है या फिर मुकर जाती है तो किस तरह का जुर्माना होगा। लेकिन किसान तो ये कहता है कि जुर्माना जब होगा तब होगा, उसको जो सजा मिलेगी मिलेगी, लेकिन उसके उत्पाद का क्या, उसको कौन उसका भुगतान करेगा। इस एक्ट में एक जो सप्लीमेंट करना चाहता है क्वालिटी की जो बात कही गई है, इसके लिए अगर कंपनी कहते हैं कि मैंने जिस क्वालिटी के लिए करार किया है वो नहीं है,
उसको सही करने के लिए जो क्वालिफाइड कृषि वैज्ञानिक है उसकी बात कर रही है, केवी के एक्सपर्ट्स की बात कर रही है, ये लोग इसमें डिसाइड करेंगे कि जो वास्तव में जो बयान में क्वालिटी की बात कही गई थी वो क्वालिटी है कि नहीं है। ऐसा नहीं है कि मान लो कंपनी ने बोला कि क्वालिटी आपकी नहीं है तो वो उसको मान लिया जाएगा, तो वो उसको डिसाइड करेंगे एक्सपर्ट जो है वास्तव में जो क्वालिटी बनी कि नहीं बनी। तो इस पर हम ये नहीं कह सकते कि वो अपने मन चाहे तरीके से उसमें ये बोल सकते हैं। दूसरा एसडीएफ पोर्टल इस पर खुला है, इसके अंदर एक बार एक्सपर्ट्स अपनी राय दे देंगे, उसके बाद में कंपनी कहीं पीछे हट भी सकती है, तो लिखित भी जब आ जाएगा इन कोई क्वालिटी की चीज है जो उसके तैयार हुई थी तो उसको वो मूल्य उसको देना पड़ेगा। जी जी। और डॉक्टर अलका ये बताएं कि जैसे हमारी सरकार लगातार ये भी चाह रही है कि हमारे जो किसान हैं धान और गेहूं जो पारंपरिक तौर पर जो फसल लेते आ रहे हैं वो तो है और हम उसमें आत्मनिर्भर भी हो चुके हैं, हमारे पास अच्छा उसका स्टॉक भी है, तो अब किसानों का रुख जो है रुझान जो है कुछ कमर्शियल जो क्रॉप्स हैं या फिर जो कह सकते हैं कैश क्रॉप्स हैं उनकी तरफ हो, और इसलिए भी इस तरह की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की हम जो बात कर रहे हैं, इस एक्ट की जो बात कर रहे हैं उसका बहुत बड़ा रोल हो जाता है। आपने बिल्कुल सही बात कही अंजू जी, ये बात सही है कि अब हम बहुत सारे सीरियल्स में हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं। और देखिए फार्मर जो हमारे यहाँ बहुत सारे लघु और सीमांत फार्मर हैं जिनकी आय बहुत सीमित है और उनकी जोत क्योंकि उनकी जोत का आकार बहुत छोटा है, तो अगर हम उनको और आमदनी बढ़ाना चाहते हैं जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री साहब का विजन है कि हम अपने फार्मर्स की आय को दुगनी करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको हाई वैल्यू क्रॉप्स पे आना पड़ेगा। और ये जो हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं इनमें ये काफी इनपुट इंटेंसिव भी होते हैं, इनको अच्छी तकनीक की भी जरूरत है, इनको एश्योर्ड बाजार की भी जरूरत है जो आकर्षक बाजार हो, और आकर्षक बाजार तभी मिलेंगे जब क्वालिटी का प्रोड्यूस होगा, उस उत्पादकता भी अधिक होगी और मार्केट के अनुरूप होगी, जो मार्केट को चाहिए अगर हम वो प्रोड्यूस कर रहे हैं तो फार्मर की आय बढ़ना निश्चित है। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मेरी समझ में इसमें एक बहुत ही अच्छा कदम है, और जैसे बहुत जो छोटे फार्मर होते हैं वो एक ग्रुप बनाकर भी ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ एक बड़ी कंपनी से हो, ये किसी हाउसिंग सोसाइटी रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी से भी हो सकती है, एक्सपोर्टर से भी हो सकती है, प्रोसेसर से भी हो सकती है, तो बहुत सारे नए आयाम खुले हुए हैं इन कानूनों की वजह से, और मैं ये समझती हूँ कि ये हमारे जो देश के किसान हैं उनकी आय को बढ़ाने के दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। जी हेमचंद जी, इससे आपको लगता है कि रोजगार के जो अवसर हैं वो भी गांव के स्तर पर बढ़ेंगे, क्योंकि इस तरह के अगर उत्पाद होंगे जिनका अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिनकी मांग है, जिनका मार्केट है, और ये कन्वेंशनल नहीं है, ये कुछ अलग हटकर जो फसलें हैं जिनका मैंने जिक्र किया, कैश क्रॉप या फिर बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जिनकी मांग तो है लेकिन किसान इस डर से नहीं करते हैं कि इसका बाजार कहाँ ढूंढने जाएगा, कोई खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, इस तरह की आशंकाएं हटेंगी तो मुझे लगता है कि गांव के स्तर पर रोजगार के विकल्प भी और अधिक होंगे, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स भी लगेंगी। बिल्कुल सही कहा आपने, अभी तक क्या है जैसे कई फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री नहीं है, तो आपका जो आंकड़े बताते हैं जो अभी रिसर्च हुई है उसमें कई 10% कई 20% कई 30% तक फल और सब्जियों का नुकसान हो जाता है, किसान ने उत्पादन किया वो आखिर में उपभोक्ता तक नहीं पहुंचा, पता लगा कि बीज की चैन में वो सड़ गई, तो उससे नुकसान पूरे देश को हो रहा है, तो मेहनत करने के बाद कोई चीज उगाई गई लेकिन वो उपभोक्ता तक नहीं पहुंचा, उसका प्राइस भी बढ़ा और नुकसान भी बढ़ा, हमारा देश ऑलरेडी हमारा एक डेवलपिंग देश है, विकासशील देश है, इतना नुकसान करना भी इसमें ठीक नहीं है। हम नया मार्केट एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कही, इसकी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देने की बात कही है, जब ये प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हमारे ग्रामीण एरिया में खुलेगी जहाँ अलग अलग वैल्यू चेन डेवलप होगी, मान लो कहीं पर ग्रेडिंग एक्शन प्लांट लग गए, जैसे मैं आपको तीनों का एग्जाम्पल देता हूँ, तीनों पर पंजाब में और राजस्थान के गंगा जिले में काफी होता है, अभी वहाँ पर 100-200 प्रोसेसिंग प्लांट लग गए जहाँ ग्रेडिंग और वैक्सिंग इसका होता है, तो उससे एक फायदा ये होता है, आप दूर कहीं आपको अपना किसी चीज भेजनी है, मान लो आपको यूरोप के देशों में एक्सपोर्ट करना है, तो वो रस्ते के सामने जहाँ से ग्रेडिंग और वैक्सिंग करते हैं, तो प्रोसेसिंग प्लांट जब लगेंगे उसमें निश्चित रूप से जो हमारे पढ़े लिखे युवा वर्ग हैं, जो हमारे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी भारत सरकार ने चला रखा है, उनको रोजगार मिलेगा, वैल्यू चेन में कई तरह के रोजगार खुलेंगे, और जो 2022 में आए डबल करने की बात करते हैं हम लोग, वो भी एक सपना पूरा होगा। हम जब बात करते हैं कि तीनों चीजें आपस में लिंक है, इसके अलावा सरकार की एक और स्कीम है जो एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, 1,00,000 करोड़ से ऊपर उसको लगाने की बात कही गई है, वैल्यू चेन डेवलपमेंट के ऊपर और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कही, ये सब चीजें भी आपस में जुड़ी हुई है, और इसके लिए ये नया मार्केट एक्ट बनना बहुत जरूरी था, अकेला अगर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ी कर देते लेकिन उसकी तरह अगर सिस्टम इम्प्रूवमेंट नहीं करते
बिल्कुल, जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि कृषि के क्षेत्र में सुधार और कायाकल्प करने के मकसद से ही तीन नए कानून आए हैं। बस मकसद यही है कि किसान जो है उसके सामने और अच्छे विकल्प हों, वो प्रगति की राह पर और तेजी से बढ़े, उसका जो जीवन स्तर है वो बेहतर हो और हमारे किसानों की आय में वृद्धि हो। फिलहाल इसी के साथ ही वक्त है छोटे से ब्रेक का, कहीं मजा आएगा। ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी रहेगी और आपकी कॉल्स का सिलसिला भी जारी रहेगा। छोटा सा ब्रेक देख रहे हैं। जरूरी सूचना, देश के कुछ राज्यों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर पराली जलाने से आसमान में धुंध छा गई है। लाखों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हर साल हम अपने घर फूकते हैं और तमाशा बनते हैं। ना, मैं ना मानता, ये काम तो बरसों से होता आ रहा है, अब ऐसा क्या नया आ गया? जी देख लो, हमारे रतन काका पिछले साल की पराली जलाने से जो इनकी खांसी उठी थी ये अब तक चल रही है, और तो और हमारी सोना उगलने वाली धरती भी बंजर कर रही है। बेटा, तुम्हारी बात मान ली, पर एक बात बताओ कि पराली को ठिकाने लगाने में भी तो लागत आती है, और ये आग जलाने से ये काम आसानी से हो जाता है। काका जी बात ना रहे, हम कह रहे हैं, देखो मेरे पास कुछ मशीनों की तस्वीरें भी हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये देखो, ये है हैप्पी सीडर, ये है मल्चर, ये है जीरो टिल ड्रिल, ये है स्ट्रॉ चॉपर, ये है रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ और ये है रोटावेटर। ये सारी मशीनें अब अनुदान पे मिल रही है, और तो और कस्टम हायरिंग केंद्र लगाने पर सरकार से 80% का अनुदान भी मिलेगा। और ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि अब पराली कोई न जलाए और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर पराली खेत में मिलाए और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाए। ब्रेक के बाद हेलो किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है। अगर आप अभी अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो एक बार फिर से आपको आज का हमारा विषय बता दें, आज हम बात कर रहे हैं कृषि कानूनों के बारे में और इसके लाभ के बारे में। साथ ही आपके हम जो सवाल हैं वो भी ले रहे हैं। लाइव फोन इन कार्यक्रम है, दो टोल फ्री नंबर हम लगातार स्क्रीन पर फ्लैश करते रहते हैं बीच बीच में, जहां से आप नोट कर सकते हैं और हमें फोन कर सकते हैं, अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। मकसद हमारा यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की आशंकाओं को हम दूर करें। एक कॉलर है मुकेश शर्मा है, जिन्होंने हमें अलीगढ़ से कॉल किया है, आइए बात करते हैं। जी मुकेश जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में, बताइए सवाल क्या है। जैसे हम आलू की खेती करते हैं तो कुछ जिस समय हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है किसी कंपनी से, तो उस समय आलू का रेट तो महंगा होता है, जब खुदाई होती है आलू की तो उस समय जैसे रेट ज्यादा गिर जाता है तो कॉन्ट्रैक्टर ये कह के छोड़ देता है कि आपकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं जो हमने तय की थी, वो कहीं से भी सस्ता खरीद लेगा उस समय तो। जी जी जी, अलका जी क्या बताना चाहेंगे? देखिए भाई भाई, इसमें ये बात मैं कहना चाहूंगी कि ये जो करार होता है ये इसमें स्पेसिफाइड क्वालिटी निश्चित होती है, और कभी कभी ये किसी पर्पज के लिए भी होता है। सपोज जैसे मान लीजिए कि चिप्स बनाने के लिए है तो उसकी कोई वैरायटी है, तो ऐसा नहीं है कि जब जिस समय आलू खुदेगा तो वो सारा आलू वो उसका दाम अलग होगा, मतलब ये एक एक करार के अनुबंध में है। और जैसा भी मेरे सहयोगी ने बताया भी कि क्वालिटी के लिए ये कह देना कि क्वालिटी ठीक नहीं है, ये भी कोई आप हमारे ऊपर सिर्फ कंपनी के ऊपर ही नहीं है, ये एक्सपर्ट्स की राय भी इसमें ली जाती है और उनकी भी सेवाओं उनके हिसाब से भी कि वो वाकई कंपनी का जो क्लेम है ये ठीक है या नहीं है, इस बात को भी सुनिश्चित करना होता है। और जहां तक जब फसल कटती है तो दाम एकदम गिर जाते हैं, ये भी बिल्कुल ऐसा सही नहीं है, शायद इसीलिए अभी और अल्टरनेटिव मार्केट्स दिए गए हैं। जी जी बिल्कुल, तो आप क्या कहना चाहेंगे खेमचंद जी, जैसे कि हमारे इस किसान की जो आशंका है जिसके बारे में पहले हम चर्चा कर भी चुके हैं कि जब हमने करार किया तब तो बात होगी कि
इस भाव पर हम आपकी फसल को खरीदेंगे, लेकिन जब फसल हुई और उसके बाद बाजार में और कम दाम अगर दिखाई देते हैं कॉन्ट्रैक्टर को जो खरीदार है, तो वो मुकर जाएगा, ऐसी स्थिति भी बन सकती है, यही आशंका है हमारे किसानों की। तो इससे कानूनी जो रास्ता है उसके बारे में भी आपने हमें बताया, तो किस तरीके से इसका निदान किया जाएगा? देखिए, इसीलिए जो नए कानून से लिखित करार की बात है, मैंने इसे पहले ही बताया कि पहले से किसान इस तरह के कंट्रैक्ट करते आए, लेकिन वो लिखित करार बहुत कम होते थे या सरकार का कोई ऐसा कानून नहीं था। अब जब सरकार ने बहुत स्पष्ट रूप से कानून बना दिया, पहले ऑर्डिनेंस आया, फिर कानून बन गया, अब उसके बाद लिखित जब करार होगा उस पर निश्चित क्वालिटी की जब बात करें, जैसे मैडम ने बताया कि आपको चिप्स बनाने के आलू चाहिए, तो वो कंपनी बाहर से जनरल आलू नहीं खरीद सकती, अच्छी क्वालिटी की। तो दूसरा, अगर कहीं भी डिस्प्यूट होता है क्वालिटी के बारे में, तो वो कंपनी नहीं कह सकती कि ये क्वालिटी खराब है, उसमें एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स हैं, साइंटिस्ट हैं, आपके टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, उनको थर्ड पार्टी को रखा गया उसके अंदर, तो वो अपनी राय देंगे कि जो क्वालिटी की लिखित करार में बात की गई है वास्तव में क्वालिटी उसे गिरी की नहीं गिरी। फिर आपका एसडीएम कोर्ट है, अगर वो क्वालिटी नहीं गिरी है, एसडीएम कोर्ट में आप कंप्लेन कीजिए, निश्चित रूप से आपकी सुनवाई होगी और उस पर कंपनी पर इसकी पेनल्टी लगेगी, उसमें चार्ज कैसे होगा। जी जी, तो इसमें जो जुर्माना की बात आपने कही है, ये किस तरह का जुर्माना होगा, इसके बारे में थोड़ा अगर हमें बता सके आप? इसमें जो एसडीएम कोर्ट में जुर्माने की बात कही गई है वो 25,000 से लेकर 5,00,000 रुपए तक का जुर्माना वो लगा सकते हैं, अगर इस तरह का एग्रीमेंट जो है वो कंपनियां तोड़ती है। जी चलिए, तो ये तो बात हुई कि जो हमारे किसानों की आशंकाएं हैं उनका हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने जवाब दिया, और ये वो आशंकाएं हैं जिनके बारे में हम अक्सर सुनते भी रहते हैं लेकिन सही सोर्स से आपको जानकारी नहीं मिल पाती है, इसीलिए हम लगातार इस विषय को कार्यक्रम में हेलो किसान के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहते हैं। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी खेमचंद जी, जैसे कि हम ये भी देख रहे हैं कि हमारी सरकार इन तीन कानूनों के माध्यम से बहुत सारे बदलाव करना चाहती है, बहुत सारे सकारात्मक बदलाव कृषि के क्षेत्र में, सुधार जिसे हम कह रहे करना चाहती है, और उन्हीं में से एक है ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी किस तरीके से हमारे जो किसान है ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर वो प्रोत्साहित हो, और कहा यह भी जा रहा है कि इन तीन कानूनों से इसमें भी कई तरह के हमें सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। किसान जो अभी थोड़ा सा डरता था ये कदम उठाने से कि कहीं उसे नुकसान ना हो जाए अगर वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है, तो इसमें किस तरह की मदद मिलेगी? देखिए, अगर आप पिछले 15-20 सालों में देखें जो कृषि में बदलाव आए हैं, एक तो हमारा देश विकासशील देश है, प्रति व्यक्ति आय भी बहुत तेजी से बढ़ी है, जो शहरीकरण भी बहुत तेजी से बढ़ा है। जी, तो जैसे शहरीकरण बढ़ा है लोगों के अंदर एक अवेयरनेस भी आई है कि जो कृषि उत्पाद है अगर वो ऑर्गेनिक हो तो उनके स्वास्थ्य के लिए ज्यादा अच्छे रहेंगे और उसके लिए ज्यादा दाम देने को भी तैयार है। लेकिन समस्या यहाँ आती है कि वो जो ऑर्गेनिक उत्पाद है उनको सर्टिफाई कौन करेगा, और किसान क्योंकि छोटे छोटे किसान है, जैसे मैंने बताया 80% से ज्यादा जो हमारे किसान है उसकी मात्र छोटे किसान है, वो उत्पाद उपज पैदा कर लेंगे लेकिन उसको कैसे बेचे उसके लिए एक जो करार होगा, कंट्रैक्ट फार्मिंग की बात कहते हैं हम लोग, तो उसके थ्रू करार होने पर एक अच्छी क्वालिटी का एक जो उत्पाद आएगा जो कंपनी सर्टिफाई करेगी या सरकारी एजेंसी भी उसमें है कि ऑर्गेनिक उत्पाद है कि नहीं है, तो मार्केटिंग का तरीका किसानों को ज्यादातर नहीं आता है, उनको एक निश्चित मूल्य पर वो अपना कृषि चीज को बेचेंगे और कंपनी जो गवर्नमेंट एजेंसी होगी सर्टिफाई करेंगी उसमें कि ऑर्गेनिक उत्पाद है, तो वो एक जो अच्छा बाजार है जो बड़े शहर हमारे हैं उनमें एक अच्छा बाजार है ऑर्गेनिक उत्पाद के लिए, जी अवेयरनेस है, ज्यादा मूल्य मिलेगा। तो सरकार का मकसद ये है कि परंपरा के खेती से हट के किसान कुछ अगर डायरेक्ट कर जाए ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर, तो जो एक हम चाहते हैं कि किसानों की आमदनी जो डबल हो जाए 2022 में, तो वो सपना भी साकार हो सके। बिल्कुल, तो जैविक खेती को इससे प्रोत्साहन मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा और हमारे किसान और अधिक आत्मविश्वास से इसे कर पाएंगे, क्योंकि अभी तक यही रहता था कि पता नहीं इसमें फायदा होगा कि नहीं, बाजार होगा कि नहीं होगा, अगर नुकसान हो गया तो ऐसी स्थिति में किसान क्या करेंगे, कौन उन्हें सहारा देगा, तो ये सभी तरह के जो आशंकाएं थी उनका समाधान है इन कानूनों में, और हमारे किसान ग्रुप बनाकर समूह बनाकर के ऑर्गेनिक खेती जैविक खेती कर सकते हैं। हमारे किसान है प्रेम कुमार है जिन्होंने राजस्थान से हमें कॉल किया है, आइए बात करते हैं। जी प्रेम कुमार जी, स्वागत है हेलो किसान में, आपका सवाल बताएं। जी सवाल बताइए। हाँ, मेरा सवाल था कि हमारे गंगानगर जिले में किन्नौर अनाज की खेती का कोई सरकारी खरीद का संबंध हुआ है या नहीं हुआ है? किन्नू और अनार के बारे में आपने बताया। जी खेमचंद जी, क्या बताना चाहेंगे? जैसे मैंने पहले बताया, गंगानगर जिले में किन्नू और अनार की खेती बहुत तेजी से बढ़ रही है, और ये बगल में पंजाब का फरीदपुर जिला है, वहाँ भी इसका बहुत तेजी से उत्पादन बढ़ा है।
जहाँ तक मेरा अनुमान है 10,000 एकड़ से ज्यादा जो क्षेत्र फैले है उसमें किन्नू की खेती बढ़ चुकी है और जो ये कारण नहीं हुए थे उससे पहले से ही किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं। व्यापारी लोग जो है दक्षिण भारत के प्रदेशों से ईस्टर्न इंडिया से और इवन बाहर यूके में इसका एक्सपोर्ट हो रहा है, वो लोग आते हैं और उनसे करार करते हैं उपज होने से पहले ही। अब इसमें फायदा ये होगा कि हमारा जो लीगलाइज सिस्टम एक हुआ उस सिस्टम होने से किसान का पहले से लिखित में करार हो जाएगा, तो कल को अगर उसका रेट डाउन ही हो जाता है तो वो एक उस करार से बाहर नहीं जा सकता और किसानों को निश्चित मूल्य मिलेगा। जहां तक एमएसपी की बात है, फलों और सब्जियों में एमएसपी नहीं होती है, न्यूनतम मूल्य नहीं होता है, सिर्फ आपका फूड रेंज के अंदर है, तो ये फलों और सब्जियों के अंदर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग काफी सक्सेसफुल होगी और इससे प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी जो डिमांड थी कि इस तरह का करार हो, निश्चित मात्रा में उनको जो है ये निश्चित क्वालिटी का उत्पाद मिले, तो वो प्रोसेस इंडस्ट्री की भी जो एक डिमांड है इस करार से पूरी होगी। तीसरा जो हमारा कानून है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जिसमें ये स्टोरेज करने की बात की गई है उससे भी इस कानून को लागू करने में फायदा होगा। जब कोई एक्सपोर्ट करना चाहता है प्रोसेसिंग के लिए स्टोर करना चाहता है तो कंपनी इसको स्टोर भी कर सकती है, एक्सपोर्ट भी कर सकती है। जी बिल्कुल, तो एमएसपी की बात यहाँ पर आपने कही जिक्र किया, तो अगला सवाल मेरा यही है कि हमारे किसान ये भी सवाल करते हैं पूछते हैं कि ऐसा तो नहीं इस कानून से सरकार बस बिल्कुल किनारा कर लेना चाहती है कि एमएसपी भी ना मिले आने वाले समय में, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। अलका जी आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये एक बहुत आशंका है किसानों के मन में कि एमएसपी खत्म हो जाएगी और एपीएमसी मार्केट खत्म हो जाएगी, तो मैं इस बारे में ये कहना चाहूंगी कि ये बिल्कुल निर्मूल आशंका है और मार्केट्स भी रहेंगी, एमएसपी भी रहेगा। आप देखिए कि हमारे देश में हमारे पास नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है जिसमें कि गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारा राइस और व्हीट प्रोक्योर करती है जो कि ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू इसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, तो किसी भी दशा में सरकार ऐसा नहीं करेगी कि फूड को प्रोक्योर ना करे और वो एमएसपी पे करती है और बहुत सारा राइस और व्हीट होता है डिफरेंट स्टेट्स से होता है उसमें, हालांकि पंजाब और हरियाणा का स्टेट्स का शेयर ज्यादा है, बट ये आशंका बिल्कुल ही निर्मूल है कि एमएसपी एकदम खत्म हो जाएगी। एमएसपी रहेगी और किसान को बल्कि एक और ऑप्शन भी है कि अगर उसको एपीएमसी मार्केट में बेचना है वहां बेचे, बाहर अच्छा प्राइस मिलता है तो बाहर बेचे, तो खत्म होने का कोई सवाल नहीं है। जी बिल्कुल, तो खत्म होने का कोई सवाल नहीं है, ये दिमाग से अपने बिल्कुल निकाल दीजिए कि इन कानून के बाद ये जो नए तीन कानून आए हैं इससे एमएसपी खत्म हो जाएगी। आगे सरकार इसको लेकर के बिल्कुल साफ कर चुकी है कि ऐसी कोई स्थिति पैदा नहीं होने वाली है। फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, देखते रहे हेलो किसान। अरे वाह भैया, केले केले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? अरे खेती की बात कर रहा है, अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गाँव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी, फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ देरी उपज आकर्षक पैक में पहुँचेगी बड़े बाजार के। अच्छा, अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। ओ किसान भाई समझ गए, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो, मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुना मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही है। अच्छा ये बात है? हाँ, क्यों, क्या हुआ, अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है, और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या के हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी खत्म। हाँ,
तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं को अपनी भाषा में तुरंत हल करने के लिए एक भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद हेलो किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं फार्मिंग एक्ट के बारे में। कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हैं और हमारी कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा आपके सवालों को हम कार्यक्रम में जगह दें। ऐसे कॉलर हैं अरविंद कुमार, जिन्होंने हमें कॉल किया है टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से। आइए बात कर रहे थे जी। अरविंद जी बताइए, सवाल क्या है आपका? अरविंद जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी नमस्ते मैम। जी नमस्कार, बताइए सवाल बताए। मैं गेहूँ का एमएसपी के बारे में जानना चाहती हूँ। अभी जो कृषि कानून लाए गए हैं तो उसके बारे में जानना चाहती हूँ। 1975 जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है तो उस पर गेहूँ खरीदा जाएगा उसके आधार। जी जी क्या कहना चाहेंगे खेमचंद जी? इनका कहना है कि एमएसपी पे जो गेहूँ खरीदा जाएगा ये नहीं। मुझे लगता है इनके भी मन में वही है कि ऐसा ना हो कि इस कानून के बाद एमएसपी ना हो। देखिए सरकार ने तीनों कानून जो बनाए हैं और गजट नोटिस से निकला है उसमें बहुत साफ साफ दिखा गया है कि ये एक अल्टरनेट मार्केट चैनल किसानों के लिए दिए गए हैं एपीएमसी मंडी के बाद। दूसरा, समय समय पर हमारे कृषि मंत्री या प्रधान ने बहुत स्पष्ट किया है कि जो एमएसपी है वो किसी भी हालत में खत्म नहीं होगा सिस्टम एमएसपी का। जो भी गेहूँ की खरीद है या धान की खरीद है या जो भी कृषि चीज सरकार खरीद रही है वो सिस्टम वैसे ही चलता रहेगा और जो एमएसपी गेहूँ के बारे में निर्धारित की गई है उस पर सरकार खरीदारी करेगी। उसका इस नए कानून से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एक अल्टरनेटिव चैनल दिया आपको जिससे कि प्राइवेट एक मंडी स्थापित हो और मंडियों से बाहर भी व्यापार हो और किसान को ज्यादा से ज्यादा एक व्यापार एक बाजार मिले जिसके अंदर की ज्यादा दाम भी उसका हो सकता है। मान लो गेहूँ के अंदर ही कोई बड़ी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मध्य प्रदेश में लग जाती है। कोई जहाँ तक ज्ञान है मध्य प्रदेश का गेहूँ बड़े शहरों में पंजाब के गेहूं से ज्यादा मिलता है और ज्यादा अच्छा भी माना जाता है। अच्छा भी एक रोटी बनाने के लिए माना जाता है। तो एक बड़ी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मान लो गेहूँ के लिए आती है मध्य प्रदेश में अपना प्लांट लगाती है, हो सकता है आपको एमएसपी से भी ज्यादा उसका मूल्य मिल सकता है। जी, और एमएसपी तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। आपके लिए बाजार पूरा खुला है, आपको जिस भाव में आप खरीदार मिले आप उसमें बेच सकते हैं। अलका जी, अब ये जानना चाहेंगे आपसे कि जो हम इस इन कानूनों को लेकर जो आशंका ये भी उठती है कि जो छोटा किसान है वो इन सब चीजों को नहीं समझ पाएगा इतने अच्छे से, कॉन्ट्रैक्ट की भाषा क्या है, इसकी जो बारीकियां हैं शायद वो उतने बेहतर तरीके से नहीं पढ़ पाएगा, समझ नहीं पाएगा। क्योंकि ये भी हम जानते हैं कि हमारे बहुत सारे किसान जो हैं अभी उतने शिक्षित नहीं है। तो ऐसे में एफपीओ का रोल कितना अहम हो जाता है और इससे ये चीजें कितनी सुगम होंगी? ये बात आपने बहुत अच्छी कही है और बिल्कुल सही बात है कि हमारे देश में ज्यादातर लघु और सीमांत फार्मर हैं जो कि शायद इस करार को समझने में थोड़ी मुश्किल फील करते हों। हालांकि इस करार को बहुत सिंप्लीफाई किया गया है कि लोकल लैंग्वेज में भी होगा, लिखित होगा और इसकी पूरी लीगैलिटी होगी। लेकिन फिर भी जैसे आपने बताया कि एफपीओ का रोल बहुत महत्वपूर्ण है, न कि सिर्फ इस करार के साथ जुड़ने में बल्कि फार्मर को ज्यादा आकर्षक बाजार दिलाने में, तकनीक का फायदा पहुंचाने में और फार्मर की आमदनी को बढ़ाने में। और जैसा कि आपने अभी कहा भी कि नाबार्ड का ये मैंडेट है कि 10,000 एफपीओ हमको आने वाले कुछ सालों में बनाने हैं। और इन एफपीओ के थ्रू बहुत सारे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स जुड़ सकते हैं और एक अच्छी तकनीक का फायदा कर सकते हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे उसमें हो, चाहे जैसा कि अभी मेरे सहयोगी ने जैसे बताया कि जो अल्टरनेटिव बाजार हैं वहां पर भी अगर एफपीओ के थ्रू हम किसी खरीदार से बात करते हैं तो एक बार्गेनिंग पावर अच्छी हो जाती है और अच्छा मूल्य फार्मर को मिल सकता है। और जैसे कि अभी बात हो रही थी कि प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज और जो मूलभूत सुविधाएं जैसे बढ़ेंगी तो एज ए एफपीओ हम उनको अपने प्रोड्यूस को कोल्ड स्टोरेज में या वेयर हाउसेज या पैक हाउसेज में भी एक्सेस कर सकते हैं, उसको रख सकते हैं और जब भी बाजार भाव अच्छा हो तब एज ए ग्रुप वो उसको बेच सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं। तो इस तरह से जो एफपीओ का रोल है वो काफी महत्वपूर्ण होगा इन कानूनों के संदर्भ में। जी जी बिल्कुल। और ऐसे में खेमचंद जी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो एक जो वैकल्पिक बाजार की हम बात कर रहे हैं कि हमारे जो किसान हैं वो इस चीज को भी आशंकित है लेकर कि कोई भी आएगा जिसके पास पैन कार्ड है वो खरीद लेगा, तो ये तो पैन कार्ड को लेकर के भी उनको मन में आशंका है कि कहां पहले लाइसेंस की जरूरत होती थी, अब किसी के पास बस पैन कार्ड है और वो खरीदारी कर सकता है, वो उनकी उपज खरीद सकता है, तो इससे कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में वो ठगे जाएं।
देखिए इसमें जो हमारे कृषि मंत्रालय है भारत सरकार का, वो राज्य सरकारों के संपर्क में रहेगा और इसके रजिस्ट्रेशन के लिए राज्य सरकारों से बातचीत करके ऐसा मानदंड बनाए जाएंगे कि किसानों को नुकसान नहीं हो। तो इस तरह के आगे इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए उसके अंदर इन चीजों का ध्यान रखा जाएगा कि किसानों के साथ धोखा नहीं हो जाए और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी उसके अंदर हो सकती है। और एक बार उसका पूरा रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जब राज्य सरकार और भारत सरकार मिलकर कर लेगी उसके बाद में कहीं भी ऐसा होना बहुत मुश्किल है कि वो कंपनी उसको धोखा दे जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि हमें पूरे देश हमारा बहुत विशाल है, हमें बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए कृषि क्षेत्र के अंदर और क्षेत्रों में काफी सुधार हुआ लेकिन यह नहीं हो पाया। तो अगर हमें इन्वेस्टमेंट लाना है तो ज्यादा से ज्यादा हमें लोगों को इसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा और सरकार की मंशा भी यही है कि इस कानूनों में थोड़ा इन्वेस्टमेंट को सिंप्लीफाई किया जाए जिससे ज्यादा से ज्यादा व्यापारी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इसके अंदर आ सके, इसका मकसद यही है। लेकिन जहां तक ये आशंका है उसको दूर करने के लिए ये हमारे कृषि मंत्रालय और राज्य सरकार के अधिकारी आपस में मिलकर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को भी अपना सकते हैं और जो एफपीओ की जांच से बात की हमने उसमें रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। एफपीओ किसानों का समूह होता है वो भी मिलकर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से टाई अप कर सकता है, एक उत्पाद खरीदने के बाद में एक मीडिएटर का रोल प्ले कर सकते हैं, वहां से खरीदते वो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की जो आवश्यकता है क्वालिटी का जो इसको इनपुट चाहिए प्रोसेसिंग इंडस्ट्री चलाने के लिए वो उसको दे सकता है, किसान को भी इसमें फायदा होता है, किसानों का ही एक समूह। जी जी बिल्कुल। और जैसा कि अभी खेमचंद जी ने कहा अलका जी कि इससे हमारे किसानों की आय में वृद्धि तो होगी ही, साथ ही साथ इससे फायदा ये भी होगा कि जो हमारे किसान हैं उन्हें नई तकनीक की भी जानकारी मिलेगी। और हम ये भी जानते हैं कि आज का दौर अब बदल चुका है, अब आज इंटरनेट युग है, तकनीक हर क्षेत्र में इस्तेमाल हो रही है और जैसे बाकी के सेक्टर्स में डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है, जैसे खेमचंद जी का कहना है वैसा कृषि में हमने नहीं देखा है अभी, तो उस तरह से हो पाए डेवलपमेंट और जीडीपी में जो शेयर है कृषि का वो बढ़े और तकनीक का इस्तेमाल हो, तो आपको लगता है कि इससे ये जो परिवर्तन हम की उम्मीद कर रहे हैं ये भी संभव हो पाएगा? बिल्कुल, मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो तीनों कानून हैं ये इस दिशा में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है। और जैसा कि अभी मेरे सहयोगी ने भी कहा कि हमें बहुत कृषि में बहुत ज्यादा निवेश की आवश्यकता है और गवर्नमेंट हालांकि बहुत निवेश कर रही है लेकिन फिर भी वो पर्याप्त नहीं है। जी जी। ये देखते हुए कि हमारा देश काफी बड़ा है, बहुत सारे फार्मर हैं, 14-15 करोड़ फार्म फैमिलीज हैं, तो प्राइवेट सेक्टर को इसमें प्रोत्साहित करना, उनको भी इसमें भागीदार बनाना ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट है निवेश के लिए और ये कृषि क्षेत्र के लिए बहुत मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा अभी आपने भी अभी जिक्र किया ही था और मैं भी उससे बिल्कुल सहमत हूँ। और इसलिए ये जो कानून है ये इस दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है कि ये प्रोत्साहित करते हैं कि आप जैसे एसेंशियल कॉमोडिटी एक्ट का है कि आपने स्टॉक लिमिट को हटाया और किसी विशेष स्थिति में ही आप उसको लगाएंगे तो जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी प्रोत्साहित होगा कि वो स्टॉक कर सके तो उसमें वो पैक हाउसेस बना सके, लॉजिस्टिक्स की इम्प्रूवमेंट होगी, कोल्ड स्टोरेजेस होगी, तो जैसे कि बहुत सारा प्रोड्यूस हमारा सड़ जाता है खेत में ही या प्रोसेसिंग के उसमें, तो ये काफी बचत होगी और जिसका फायदा हमारे किसानों को और कंज्यूमर्स दोनों को भाव और ये सब मिलेंगे, हमारी इनकम में ही ऐड हो रहा है, इससे रोजगार के भी अवसर बढ़ रहे हैं और चहुंमुखी विकास की हम जो बात सोचते हैं कृषि क्षेत्र के लिए वो संभव हो पाएगी। जी खेमचंद जी, अंत में आपसे मैं जानना चाहूंगी कि एक सरकार की तरफ से ये भी लगातार प्रयास किया जा रहा है और युवाओं को जोड़ने के लिए कई तरह की हम देख रहे हैं कि योजनाएं हैं, उन्हें और आकर्षित किया जा सके इसको लेकर के भी सरकार काफी मंथन करती रहती है, तो आपको लगता है कि क्योंकि अब चीजें ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगी, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की हम बात कर रहे हैं, एफपीओ बनेंगे, तो युवाओं का जो पलायन रहता था वो शायद इससे हम रोक पाएंगे, उन्हें कृषि से जोड़ पाएंगे और क्योंकि नए तरह की कृषि होगी, नई तकनीक का इस्तेमाल होगा तो शायद किसान भी जो युवा किसान है वो भी आकर्षित होगा इससे। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए ये देश के लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा हो रही थी, परंपरागत खेती करने की वजह से जो हमारा युवा वर्ग था वो गांव से पलायन करके शहरों की आ रहा था और शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नहीं है कि वो उसको संभाल सके। गांव में आप देखेंगे सिर्फ बूढ़े माँ बाप बचते थे और जवान लड़के शहरों में चले जाते। जी बिल्कुल। अब हमें एक जो ये नई सरकार आई इसने कौशल विकास की बात कही, आज हर जिले में कौशल विकास केंद्र बने हुए हैं, उसके अलग से मंत्रालय भी है, तो उसमें कृषि क्षेत्र में जो कौशल विकास की संभावनाएं है उसमें प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, वैल्यू चेन डेवलपमेंट है, एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसमें हमारे युवा वर्ग की काबिलियत भी उसके अंदर है, उनका एक्सपीरियंस भी है, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर एक ग्रामीण क्षेत्र में छोटी जगह पर जब डेवलप होगी, वैल्यू चेन डेवलप होगी, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री डेवलप होगी तो उनको रोजगार
अपने गांव के आसपास छोटे शहरों में भी मिलने लगेगा, जिससे कि जो जो पढ़े लिखे युवा है कौशल विकास केंद्र से एक स्किल डेवलपमेंट हो जाएगा, तो वही की वही उनको रोजगार मिलेगा। तो अपना घर नहीं छोड़ना पड़ेगा, अपना गांव नहीं छोड़ना पड़ेगा रोजगार की तलाश में जो शहरों में, परिवार में जो आय होगी जिसमें कृषि पर निर्भर थी उनको एक एक्स्ट्रा इनकम भी होगी, उससे उनका पूरा आमदनी भी प्रति व्यक्ति परिवार जो आए हैं वो भी बढ़ेगी। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अलका आपका भी और डॉक्टर खेमचंद जी आपका भी, आप स्टूडियो में आए और हमारे आज के इस विषय पर इतने सरल और इतने अच्छे तरीके से हमारे किसानों को आपने बताया कि ये तीनों कानून किस तरीके से उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए लाए गए हैं, इसको लेकर जो आशंकाएं थी वो भी आपने दूर की। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का समय निकालने के लिए। इसी के साथ ही आज के हेलो के सामने फिलहाल इतना ही। कल का हमारा विषय क्या है, आइए डालते हैं इस पर नजर। हमारा कल का विषय है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और प्रधानमंत्री मानधन योजना, इसके बारे में कल हम हेलो किसान में बात करेंगे इसी समय नए विशेषज्ञों के साथ। और आपके कॉल्स का इंतजार रहेगा, आपके सवाल का इंतजार रहेगा, लेकिन अगर आप चाहें तो हमें पहले से ही अपने सवाल भेज सकते हैं। इसके लिए आप तरीका जाने, आप हमें ईमेल कर सकते हैं hellokisan2015@gmail.com पर। इसके अलावा आप चाहे तो सोशल नेटवर्किंग के साथ भी हमसे जुड़ सकते हैं, उसके माध्यम से भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। फेसबुक पर बहुत सारे हमारे किसान हैं आज के दौर में, तो आप फेसबुक पर जाएं, सर्च बॉक्स में हेलो किसान टाइप करें, हमारा आईडी खुल जाएगा, इसे फॉलो कर सकते हैं और अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा आप हमें टोल फ्री नंबर पर हमारे हेलो किसान कॉल सेंटर नंबर पर कॉल करें 1800-1130-60, सोमवार से शनिवार सुबह 6 से 7 बजे के दरमियान आप कॉल कर सकते हैं और अपने प्रश्न आप रिकॉर्ड करवा दें जिन्हें हम विशेषज्ञों के सामने रखेंगे। तो कल का हमने विषय आपको बता दिया है, इसी वक्त आपसे कल फिर होगी मुलाकात। उम्मीद करते हैं कि जो नए तीन कृषि कानूनों को लेकर हमारे किसानों के मन में बहुत तरह की आशंकाएं थी और भ्रम भी थे वो जरूर दूर हुए होंगे और हमारे किसान इन्हें खुले तौर पर इन्हें अपनाएंगे और इसका लाभ भी हम आने वाले समय में देख सकेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, बने रहे हमारे साथ, नमस्कार।